संविधान के दायरे में हमको जो भी करना है हम संविधान के दायरे में करेंगे। ठीक, हम लोग विरोध इसका जारी रखेंगे, आगे रणनीति बनाएंगे कि किस तरीके का विरोध किया जाए और इस ये लड़ाई जारी रहना लूंगा। आप वो काम पहले भी कर सकते थे जब आपके साथ अभी भी मुस्लिम था, कल भी है और बड़ी तादाद में है, लेकिन आपने उन्हीं का दिल तोड़ा है ऐसे दरिंदे को लेके जिसने मुस्लिम महिलाओं के बारे में किस तरीके के टिप्पणी की हैं, वो आप सबके सामने हैं और गूगल पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। एक दरिंदा भी, एक जानवर भी इस तरीके की भाषा नहीं यूज़ करेगा कि मैं मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकाल के उनके साथ इस तरीके का बलात्कार करने की जैसी बात करेगा। एक दरिंदा भी, एक जानवर भी इस तरीके की बात नहीं करेगा। और आप उसको पार्टी में शामिल करते हैं, आप छलावा करते हैं मुसलमानों से। मैं मुसलमान उस पार्टी में जितने भी मुस्लिम भाई हैं मेरे, मैं उनसे अपील करता हूं कि अगर उनमें ज़रा सा भी ज़मीर बचा है तो वो इस चीज़ पे फैसला करें कि वो किसके साथ। कौन भोला है, कौन सा भोला है? आपको पता है कि पिता भोले हैं और बेटा सपोला है, वो तो इसमें तो कोई शक नहीं, वो हमने आपको दिया हुआ है, विज्ञप्ति में है, वो आप देख लीजिए। दोहरे चरित्र की बात कर रहे हैं? बिल्कुल दोहरे चरित्र की बात है। यहाँ पे आक्रोश है इस बात का। मैं, हम सब कभी ना कभी उनके फॉलोअर रहे हैं और आज मुस्लिम समाज उनके साथ है और था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने, उनके पिता ने और उन्होंने चीज़ें की हैं, वो लगातार उनका ग्राफ गिरेगा। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का मुसलमान आज इस चीज़ को बहुत करीब से देख रहा है कि किस तरीके से उन्होंने ये जो सुनील सिंह को शामिल किया है वो उनका चरित्र सामने आया है। बाबरी विध्वंस को लेकर फिर एक बार आपने मुद्दा बनाया है, आपको लगता नहीं ये एक राजनीति है? बाबरी माननीय न्यायालय का फैसला, बाबरी मस्जिद पे हमने न्यायालय के फैसले पे हमने कोई भी टिप्पणी नहीं की। हमने आपको ये कहा कि जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त करने की बात आई थी तो सबसे पहला हथौड़ा मारने वाले जो साक्षी महाराज थे उनको समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा भेजने का काम किया। जब कल्याण सिंह की सरकार में बाबरी मस्जिद ढाई जाती है तब आगरा के अधिवेशन में मुलायम सिंह ने बड़ा सा माला पहना के उनका स्वागत किया, और आज उससे बड़ा काम उनके बेटे ने किया है जो आपके सामने। लगातार CAA की बात हो रही है, पहले आप ये बताइए रिजवी को लेकर, वसीम रिजवी को लेकर आपने पलटवार किया है। वसीम रिजवी जैसा मुझे लगता है घटिया सोच का आदमी शायद ही कोई और होगा, क्योंकि जिस तरीके से उसने अपनी घटिया सोच, हमारी बहनें जो बैठी हुई हैं, हमारी माँ बैठी हुई हैं वहाँ पे, माताएं बहनें जो बैठी हुई हैं उनके बारे में इस तरीके का गलत वक्तव्य देना और सिर्फ अपने आप को हाईलाइट करना और गवर्नमेंट की नज़र में, स्टेट गवर्नमेंट की नज़र में अच्छा बने रहने के लिए वो अपने आप को इस तरीके की चीज़ें जो उसने टिप्पणी की है, मुझे लगता है कि उसको तो मैंने अपील किया है अपनी बहनों से, अपने भाइयों से और माताओं से कि इसको कहीं अगर मिल जाए तो इसको जूते का हार पहना के और पूरे लखनऊ में गधे पे बैठा के इसको घुमाना चाहिए, जिस तरीके का उसने बयान दिया है। मैं समझता हूँ उसके लिए ये जो मैं बयान दे रहा हूँ ये बहुत छोटा है, इसके साथ में इसको गधे पे बैठा के और इसका मुंह काला करके पूरे शहर में घुमाना चाहिए, जिस तरीके से उसने ये टिप्पणी की। जो आप बोल रहे हैं क्या इसको लेकर के आप आगे भी और इस रिजवी के लोग? बिल्कुल, मैं ऐसे रिजवी ने जो बयान दिया है इसको लेके हम लोग इसमें रणनीति बना रहे हैं कि इसके लिए क्या किया जाए। और जो बैठी हुई हैं माताएँ बहनें बैठी हुई हैं शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रही, हो सकता है उसके घर का भी कोई बैठा हो, एक तरफ कल्बे जवाद साहब और एक तरफ दूसरे लोग धर्मगुरु जाके वहाँ पर समर्थन कर रहे हैं, सिया हजरत के लोग जा रहे हैं वहाँ पे और दूसरी तरफ इस तरीके की ये टिप्पणी कर रहा है, तो इसका कोई चरित्र नहीं है, बल्कि ये भी जो है समाजवादी का एक प्रोडक्ट है। जब सरकार समाजवादी में थी, समाजवादी की थी, तब ये समाजवादी के करीब था, और आज जब ये भाजपा की सरकार है तो वहाँ पे करीब रहने के लिए ये सारे जतन।